यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉज हो गई। कैन यू राइट द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट? लिखिए जरा, कैसे लिखना है? कल समझाया था, देखो कैसे बनेगा। सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर की वैलेंसी प्लस वन, नाइट्रेट इज NO3 एंड एज इट इज पॉलीएटॉमिक, सो कीप इट इन ब्रैकेट एंड इट्स वैलेंसी इज माइनस वन। सो व्हेन यू क्रॉस वन एंड वन हियर, सो इट बिकम्स AgNO3। इन केस ऑफ वन वी कैन रिमूव द ब्रैकेट, AgNO3 एंड कॉपर Cu गिव्स। नाउ कॉपर नाइट्रेट, आपने ये नहीं देखना कि हेयर द नाइट्रेट इज वन टाइम, इसको देखकर हमने कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला नहीं लिखना, ठीक है बच्चे? हमने इसको देखकर कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला नहीं लिखना, हम अपना फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर एंड नाइट्रेट, कीप इट इन ब्रैकेट, कॉपर द वैलेंसी इज टू, नाइट्रेट द वैलेंसी इज माइनस वन। सो द क्रॉस करेंगे तो बेटा वन विल कम हेयर एंड टू विल कम हेयर। सो हेयर द फॉर्मूला ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज CuNO3 होल ट्वाइस एंड सिल्वर इज Ag, ठीक है? कभी भी प्रोडक्ट को ये देखकर नहीं यहां से टू हटा देना कि यहां तो लगा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये काम जो है वो करेगी बैलेंसिंग, बैलेंस करेंगे बाद में हम इसको, ठीक है बेटा? ये किस किस को समझ आया, रेज योर हैंड्स, क्योंकि आपके वीडियो मेरे पास बहुत क्लियर नहीं आ रही है। आप अपने हैंड्स, यस गुड, ठीक है बच्चे? सो कभी भी ये नहीं देखना कि यहां पर AgNO3 है तो ये CuNO3 होगा। नो, आपने फॉर्मूला बनाना है, उसका क्रिएट करना है एंड देन राइट आफ्टर दैट बैलेंसिंग विल डू द रिमेनिंग वर्क, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पर आइए। मैग्नीशियम, द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg, द सिंबल ऑफ द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl एंड इट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg एंड क्लोराइड इज Cl, किया था। द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज प्लस टू एंड क्लोराइड इज माइनस वन। सो क्या फॉर्मूला बना बच्चे? MgCl2, MgCl2, यही बनेगा ना? वन इधर आ जाएगा, टू इधर आ जाएगा क्रॉस होकर, इट विल बी MgCl2। तो यहां पर अब आप बोलोगे कि मैम एक बार क्लोरीन है, यहां टू आ गया, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, ठीक है? एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेटा कभी H नहीं लिखा जाता, इट इज ऑलवेज रिटन इन डाई एटॉमिक फॉर्म H2, ठीक है? सो इट इज H2। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है किसी को बेटा, माइक के पास आ जाओ। काम बोथ द इक्वेशंस आर क्लियर? यस, नाउ आयरन थ्री ऑक्साइड, हेयर इज आयरन थ्री ऑक्साइड। बहुत सिंपल आ गया बेटा ये तो, Fe, ठीक है? ऑक्साइड मीन्स O, थ्री बताई दिया इन्होंने कि आयरन की वैलेंसी थ्री लेनी है एंड ऑक्साइड इज माइनस टू। तो क्या फॉर्मूला बना बेटा इसका? Fe2O3, देखो टू इधर जाएगा और थ्री इधर आएगा, Fe2O3, ठीक है? इसको हम और क्या बोल सकते हैं थ्री वैलेंसी वाले आयरन को? फेरिक। आयरन थ्री ऑक्साइड की जगह
हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ आयरन थ्री ऑक्साइड वी कैन कॉल इट एज फेरिक ऑक्साइड ऑल्सो प्लस एल्यूमिनियम इज Al गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, व्हाट इज द फॉर्मूला? यस, अब तो ऑरली आना चाहिए आपको. Al एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी इज 3 जो ऑक्सीजन के साथ लगेगी, एंड ऑक्साइड की वैलेंसी इज 2 जो कि एल्यूमिनियम के साथ आएगी, एक दूसरे के साथ रिवर्स, ठीक है, क्रॉस होकर लगती है. एल्यूमिनियम अपनी वैलेंसी ऑक्सीजन को दे देगा, ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी एल्यूमिनियम को दे देगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला, राइट, प्लस आयरन. Can anyone tell me which reaction is this? Third reaction. Which reaction is this? Have you done metals and non-metals? Yes. So can you tell me which reaction is this? Very important reaction in this chapter. Displacement reaction. Yes, it is a thermite reaction. Right? It is a thermite reaction. In this case, the iron formed is in the liquid state, right? तो देखो बेटा, अब आपको अगर आपको केमिकल फॉर्मूलाज आ गए ना, आपका ये वाला पार्ट लर्न करना बच जाएगा. यू जस्ट लर्न दीज थिंग्स कि व्हेन फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम इट विल गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन. फॉर्मूला तो आप लिख ही लोगे, बैलेंस आप कर ही लोगे, है ना? आपका वर्कलोड बहुत कम हो जाएगा इफ यू लर्न द केमिकल फॉर्मूलास प्रॉपरली. इज दिस क्लियर? चलिए, यहां तक बेटा सबको आ गया? एनी प्रॉब्लम अमंग दीज थ्री रिएक्शंस? इज इट क्लियर? Yes. चलिए, वेरी गुड. आइए सर, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से करके बताइए बेटा. डू इट फास्ट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अच्छा, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट थी, मैंने ब्रैकेट्स छोड़ी हुई है बेटा. सी, द क्वेश्चन इज सेइंग एन एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. एक्वस, तो वी विल राइट एक्वस हियर. ये इसकी स्टेट बता रहा है. CO2 क्या होती है बेटा? वी नो दैट इट इज अ गैस. उसके बाद देखो लिखा हुए, रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू प्रोड्यूस अ सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट एंड वॉटर. तो कैल्शियम कार्बोनेट कौन सी फॉर्म में है बेटा? सॉलिड फॉर्म में. एंड वॉटर, आपको पता है वॉटर इज ऑलवेज इन द लिक्विड फॉर्म. तो ये स्टेट्स हैं. तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, तो उस केस में अगर आप ये स्टेट्स मेंशन नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में स्टेट दी गई है. सो इट इज कंपलसरी टू मेंशन दीज स्टेट्स अलोंग विद द केमिकल रिएक्शन. इज दिस क्लियर? चलिए, हु कैन कंप्लीट दिस इक्वेशन इन द केमिकल फॉर्म? रेज योर हैंड्स. बेटा ये प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपने, ठीक है? यू कैन डू इट इन योर नोटबुक. चलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम इज Ca, हाइड्रोक्साइड इज OH, कीप इट इन ब्रैकेट. हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी इज 1 विच इज गिवन टू कैल्शियम, एंड कैल्शियम की वैलेंसी इज 2 विच इज गिवन टू हाइड्रोक्साइड. बन गया फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज क्रिएटेड. सिर्फ वैलेंसी दिमाग में रखो और रिवर्स करके लगा दो. प्लस ये एक्वस फॉर्म, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन द गैशियस फॉर्म. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अगेन, कैल्शियम इज Ca, कार्बोनेट इज CO3, कीप इट इन ब्रैकेट, राइट. नाउ द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2, यहां आ गई. कार्बोनेट
इसकी भी वैलेंसी टू जो कि कैल्शियम के पास आ गई, बट सेम नंबर 2 एंड 2, तो क्या करेंगे इसको हम, इसको हम हटा देंगे, ये नहीं रहेगा। तो क्या बना ये हमारे पास, CaCO3, सिर्फ ये बचेगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3 विच इज इन द सॉलिड फॉर्म प्लस वॉटर। ये समझ आया बेटा, एक बार और बता रही हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट हम ऐसे लिखते हैं, इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -2, तो ये कट जाती है, तो ये सिंपली क्या बचेगा, CaCO3। इज इट क्लियर? ये थोड़ा क्लोज करके लिख लेना बेटा, मेरा थोड़ा दूर लिखा गया, CaCO3। इज इट क्लियर? यस ओके जी, गुड। नाउ नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन। जल्दी से कीजिए बेटा, वेरी सिंपल रिएक्शन, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, डू इट फास्ट। हाँ जी बेटा, डन? यस। एल्यूमिनियम भी सिंपली एल्यूमिनियम, क्लोरीन इज Cl, नहीं लिखना हमने, क्लोरीन इज ऑलवेज रिटन एज Cl2, ठीक है। देर आर सम गैसेस विच आर रिटन इन द डायटॉमिक फॉर्म लाइक H2, Cl2, N2, ठीक है, O2, दे आर ऑलवेज रिटन इन द डायटॉमिक फॉर्म वेदर इट इज गिवन और नॉट, राइट? नाउ द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल। अब बेटा कैन आई राइट लाइक दिस, इज इट ओके? यस, मैम नो एस थ्री हाँ, इट विल बी AlCl3। आपने ये नहीं करना कि यहाँ AlCl2 है तो आप यहाँ पे भी Cl2 लगा दो, वो क्लोरीन का फॉर्मूला है, एंड हेयर यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज AlCl3, नॉट AlCl2। ये फॉर्मूला नहीं है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, रेस्ट द थिंग्स आर क्लियर विथ बैलेंसिंग, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। चलिए आगे बेटा, अभी थोड़ा आर यू फीलिंग लिटिल बिट कंफर्टेबल विद द केमिकल इक्वेशंस? किस किस को लग रहा है कि थोड़ा सा यस समझ आ गई है चीजें? मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूं अभी भी, आई एम स्टिल सेइंग कि कुछ पता लगा कि तरीका क्या है, हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन, मेथड क्या है, किस किस को समझ आया? ओके, दैट्स वेरी गुड, गुड, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कैन यू कंप्लीट दीज इक्वेशंस? अच्छा, एक चीज और बताइए, इस रिएक्शन का नेम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? यस, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ अबव रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर थर्ड? किया होगा बेटा आपने, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, दिस इज अ बेस एंड CO2 इज नॉन मेटल ऑक्साइड, आई थिंक किया होगा मेटल्स में, एसिड बेसिस में, सॉरी, ठीक है। सो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यू कैन से, बिकॉज द प्रोडक्ट्स बोथ फॉर्मड हियर आर न्यूट्रल, ठीक है। ऑल्दो इट इज नॉट बिटवीन एसिड एंड बेस, इट इज बिटवीन बेस एंड नॉन मेटल ऑक्साइड,
स्टिल एज द प्रोडक्ट्स फॉर्मड आर, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, सो वी कैन से दिस रिएक्शन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है चल चले आगे, कंप्लीट दीज रिएक्शन बेटा. अगेन आई लिफ्ट द ब्रैकेट इन द अबव रिएक्शन, नाउ यू कैन नो फॉर विच पर्पस. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट मीन्स हियर यू विल राइट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, बेटा यहां पर सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, यू कैन राइट इट सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. अगेन दिस इज ऑल्सो एक्वस, इट विल गिव फेरस प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड, दीज आर द पीपीटीज विच आर इज सॉलिड स्टेट एंड सोडियम सल्फेट डिजोल्व इन वॉटर, सो इट इज इन द एक्वस स्टेट. तो ये स्टेट आपको जरूर आनी चाहिए. चलिए नाउ फेरस सल्फेट, नाउ हमने कल दो चीजें पढ़ी थी आयरन के बारे में, एक फेरस था एंड एक फेरिक था. फेरस की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फेरस? यस तो प्लस टू, एंड द वैलेंसी ऑफ फेरिक इज प्लस थ्री. सो हेयर फेरस सल्फेट, सल्फेट क्या होता है, व्हाट इज सल्फेट? एसओ फोर. इसकी वैलेंसी कितनी लिखी थी हमने, -2 माइनस टू इसकी वैलेंसी है. चलिए अब फॉर्मूला बना लेते हैं, फेरस मीन्स Fe, सल्फेट मीन्स एसओ फोर. एसओ फोर अपनी वैलेंसी किसको दे देगा, आयरन को, एंड आयरन अपनी वैलेंसी किसको दे देगा, सल्फेट को. अगेन टू एंड टू विल कैंसिल, सेम आ गया. ठीक है तो ये फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, FeSO4. समझ आया बेटा? यस चलिए FeSO4 प्लस ये एक्वस फॉर्म में है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट्स अ कॉमन फॉर्मूला. सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप ऑरली आ सकते हैं, आपको बार बार बहुत बार आता है NaOH एसिड बेस में, इट इज NaOH. अगेन इट इज इन द एक्वस फॉर्म, गिव फेरस हाइड्रोक्साइड. फेरस मीन्स Fe, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH ब्रैकेट में, बिकॉज हाइड्रोक्साइड इज इन द पॉलीएटॉमिक फॉर्म OH. आयरन द वैलेंसी इज टू बिकॉज फेरस लिखा है, फेरस के केस में वैलेंसी टू लेनी है, तो द फॉर्मूला विल बी हाइड्रोक्साइड की वन होती है जो कि यहां आएगा, तो वन लिखने की हमें जरूरत नहीं है, इसकी नीड नहीं है लिखने की, तो वी कैन रिमूव इट. प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सोडियम इज Na, सल्फेट इज SO4. सल्फेट अपनी वैलेंसी टू, सल्फेट की कितनी है टू, वो सोडियम को दे देगा. सोडियम की कितनी होती है, सोडियम की कितनी होती है, बाय प्लस वन, वो अपनी यहां दे देगा. बाय अगेन वन लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, सो आई कैन रिमूव. हम यहां से ब्रैकेट्स भी हटा सकते हैं क्योंकि दोबारा लिख रही हूं, तो ये फॉर्मूला बना Na2SO4 विच इज इन द एक्वस फॉर्म, ये हमारे पास आया पीपीटी की फॉर्म में. आया बच्चे रिएक्शन समझ? कोई भी फॉर्मूला कभी यस भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये सोच के नहीं लिखना कि यहां तो OH है, अगर आप देखोगे तो यहां तो अकेला OH है और यहां OH2 है, क्योंकि वो OH है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, यहां मुझे OH के साथ टू लगाना पड़ा क्योंकि वो फेरस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, फेरस हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले में OH के साथ टू आता है, इस फॉर्मूले में नहीं आता. बैलेंसिंग आती है सबको करनी, इट्स अ वेरी कॉमन, किस किस को आती है बैलेंसिंग करनी? ओके
सबके हैंड्स रेज नहीं हुए, इसका मतलब बैलेंसिंग में भी प्रॉब्लम है। किस किस को नहीं आती जरा एक बार वो हैंड रेज करना अपने, जिसको नहीं आती बैलेंसिंग। चलो कुछ स्टूडेंट्स दोनों तरफ, आती भी है और नहीं भी आती है ना, हैंड ही नहीं रेज किया। चलो ये समझ आ गया सबको, इज इट क्लियर? ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग के पर्पस से भी, ये केमिकल रिएक्शन लिखने के पर्पस से भी। और इस रिएक्शन का अपनी एक खासियत क्या है, कौन सा रिएक्शन है ये, इज अ विच रिएक्शन इज दिस, इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अपने आप में ये रिएक्शन वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनदर नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अनदर नेम क्या होता है, क्या बने, प्रेसिपिटेट्स बने। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर, सबको क्लियर हो गया है, कोई डाउट यहां पर? हाँ गुड बेटे, जिसको नहीं समझ आ रहा ना बच्चे, जरूरी नहीं है पूरी क्लास को इक्वली समझ आएंगी चीजें। किसी को कहीं पर कोई डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम, जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ द माइक एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स। ठीक है, किसी से हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए, नाउ द मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस एचसीएल इक्वेशन कौन कौन सॉल्व कर सकता है, हु कैन सॉल्व दिस जल्दी से? यस, ओनली फ्यू हैंड्स आर रेज, करो जरा जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, सिक्स करिए जरा जल्दी से। चलिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम इज Mg, कार्बोनेट इज CO3C। लुक, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी टू, कार्बोनेट की भी टू, सो ये कैंसिल, सो ये क्या रह जाएगा, MgCO3, ऐसे ही रह जाएगा। अब ये प्लस HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का तो फॉर्मूला अब तक लर्न हो चुका होगा। किस किस को पता है मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? GCl2। हाँ, अब MgCl नहीं बोलना, इट इज MgCl2। वैसे भी देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी प्लस टू, वो अपना टू किसको दे रहे हैं, क्लोरीन को, क्लोरीन की वैलेंसी होती है वन, ये है ना, ये टू और ये वन, ये इधर और ये इधर, तो बना MgCl2। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला? हाँ, यहाँ टू नहीं, अच्छा हाँ यहाँ टू नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ वन और वन है, तो ये सोच के कभी भी नहीं करना वो MgCl2 है तो वो NaCl2 होगा, ऐसे नहीं सोचना। हर एक एलिमेंट का, हर एक कंपाउंड का अपना एक फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर? तो इट इज MgCl2 प्लस CO2 प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की चेक टेस्टिंग कैसे करते हैं हम? हाउ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेस्टेड, कि वेदर द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड और नॉट, आता है किसी को?
बाय एम थ्रू पासिंग लाइम वाटर टैंक। थ्रू, हाँ, CO2 गैस को हम लाइम वाटर से पास करेंगे, एंड इफ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इट मीन्स द गैस प्रोड्यूस्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगेन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा, मतलब आपको हर पेपर के अंदर ये इस रिएक्शन के बेसिस पे कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द सो नेक्स्ट रिएक्शन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगेन मैंने बोला था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेटा आप लर्न कर लो फॉर्मूला क्योंकि बहुत बार आएगा। इट इज NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड बेसिस में आपने सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूले को लर्न किया होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? देखो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं बेटा एसिड के, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको नहीं आता बेटा लिख लेना, मैं लिखवा रही हूं एक बार, ठीक है। H2SO4, दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3, दिस इज द नाइट्रिक एसिड, ठीक है। CH3COOH, ये बहुत बार यूज होगा, ठीक है। CH3COOH, इट इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। कॉमन वाले लिखवा दिए बेटा मैंने, जो बहुत ज्यादा रिएक्शंस में यूज होते हैं, अदरवाइज तो बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है, ये नोट कर लो आप, ये बहुत बार यूज होते हैं। इसका एक अनदर नेम भी आएगा, इथेनोइक एसिड। और करके लिखिए, इथेनोइक एसिड। डन, बेटा हैंड रेज कर दो अगर लिखी है तो। ओके ठीक, लिख ही लिया सबने, है ना। चलिए आइए बेटा, नाउ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 गिव्स सोडियम सल्फेट। ये लास्ट में पीछे जो बच्चे बैठे हैं बेटा, सबको समझ आ रहा है? लास्ट में बेंचेस में क्लियर हो रहा है बेटा सबको? एक बार हैंड्स रेज कर दो अगर समझ आ रहा है तो, लास्ट में से, लास्ट के 2-3 बेंचेस। ओके बेटा गुड। सोडियम सल्फेट, बेटा सोडियम इज Na, सल्फेट इज SO4, सोडियम की वैलेंसी इज 1 जो कि सल्फेट के साथ गई, सल्फेट की वैलेंसी इज 2 जो सोडियम के साथ आ गई, तो ये बना हमारा Na2SO4। मैं बार 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 रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए बेटा अच्छे से, ठीक है। Na2SO4 प्लस वाटर, विच रिएक्शन इज दिस, विच रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन, दिस? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस, ठीक है, इट इज क्लियरली न्यूट्रलाइजेशन बिकॉज इट इज बिटवीन बेस एंड एसिड, द प्रोडक्ट फॉर्म्स आर सॉल्ट एंड वाटर, द बोथ द प्रोडक्ट्स आर न्यूट्रल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए शुड वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, अगर यहां तक हो गया तो बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट से पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है बच्चा, ये फॉर्मूला एक लर्न कर लो, KClO3,
क्योंकि क्लोरेट भी एक पॉलीएटॉमिक आयन होता है जो हमारे टेबल में नहीं था। बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, सारे नहीं किए हमने तो कुछ ही किए। ठीक है, वी हैव डन अ लिटिल बिट। तो KCl3 क्लोरेट एक उसी का पार्ट है पॉलीएटॉमिक आयन का, सो यू कैन लर्न इट। पोटेशियम क्लोरेट इज KCl3, इट इज गिवन ऑन हीटिंग फॉर्म्स पोटेशियम क्लोराइड। इसको हीट किया गया है एंड अब ये क्या दे रहा है हमें बनाकर, पोटेशियम क्लोराइड। प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो KCl3 तो मैंने लिख ही दिया था, KCl3 पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड? ये वाला होगा, ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, विच फॉर्मूला इज करेक्ट? यस, ये जो फर्स्ट बेंच पे रेड टी शर्ट में बॉय बैठा है, बेटा आप पीछे कौन पढ़ा रहा है आपको? फर्स्ट बेंच बेटा पीछे कौन टीच कर रहा है आपको? आप पीछे टर्न नहीं करोगे आप एक बार भी? ठीक है, चलिए विच फॉर्मूला इज करेक्ट आप ही बताइए जरा। चलिए, यस, फर्स्ट बेंच में जो रेड टी शर्ट में बॉय है, हां जी बेटा फॉर्मूला बताओ मुझे कौन सा करेक्ट है पोटेशियम क्लोराइड का? फर्स्ट फर्स्ट वाला, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है, ये नहीं है फॉर्मूला दोनों। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज रिटन एज O2, सो दिस इज द इक्वेशन। चलिए बी पार्ट आ जाइए। राइट बैलेंस्ड सॉरी रीराइट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम बर्न्स इन कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन। वो कह रहे हैं मैग्नीशियम बर्न्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं सीधे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट एलिमेंट्स वगैरह ही हैं। आगे, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड का? MgO MgO होता है या MgO2 होता है? या Mg2O तो नहीं होता? नहीं, क्योंकि एक Mg है और एक ऑक्सीजन, इसकी प्लस टू इसकी माइनस टू कट गया तो MgO बचेगा। ठीक है, सो इट इज MgO प्लस, और क्या बनेगा प्रोडक्ट? यस, प्लस कार्बन। कार्बन सिंपल सी होते हैं, कार्बन के साथ C2 नहीं लगाते हम। ठीक है, कार्बन इज सी ओनली, इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला फॉर नेम्स एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। करिए जरा जल्दी से सभी सभी करेंगे अपनी अपनी नोटबुक में, मैंने किसी की भी बात सामने मंगवा कर देख लेनी है बेटा। सभी करो जरा, ठीक गुड, और करते जाओ बेटा सभी।
ओके चलिए बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट द फॉर्मूला इज यस, कैल्शियम इज सी ए, कार्बोनेट इज CO3, इसकी वैलेंसी टू, इसकी वैलेंसी टू तो कट गया, तो क्या बचा? CaCO3 प्लस HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड अगेन CA, ठीक है, और Cl कैल्शियम की वैलेंसी टू जो कि वो क्लोराइड को दे देगा, क्लोराइड हैज अ वैलेंसी ऑफ वन जो वो क्लोरीन कैल्शियम को दे देगा, सो वन की नीड नहीं है हमें, सो द फॉर्मूला इज CaCl2 प्लस CO2 प्लस वॉटर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव रिटन द सेम? जस्ट रेज योर हैंड्स जिनका बिल्कुल करेक्ट था। दैट्स वेरी गुड। कुछ हैंड्स अभी भी हैं जिनके नीचे ही हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा, इसी का बी पार्ट। सिंह, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन करते जाइए अपने आप बेटा, अपने आप एक बार करो, फिर मैं बोर्ड पे करूंगी, मैच करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इट विल बी एक्वस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज अगेन एक्वस गिव सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वॉटर। वॉटर वेरी सिंपल रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यस NaOH, ये नहीं भूलना बेटा, बिल्कुल भी नहीं भूलना, NaOH बहुत 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 बार आएगा, ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलाज आप माइंड में ही डाल लो कि करके देखनी ना पड़े। प्लस HCl गिव्स सोडियम क्लोराइड, वेरी सिंपल फॉर्मूला, ये भी बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर टू लगा ही देते हैं रैंडमली लिखते लिखते, नहीं लगेगा बेटा, नहीं लगेगा, टू इज नॉट विथ NaCl प्लस वॉटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ बेरियम? प्लस टू, ठीक है, याद रखनी है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अपना अपना करो जरा इसको सॉल्व। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन मींस एक्वस रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन, ये अगेन दिस इज एक्वस टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं बेटा? दे आर सॉलिड, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, चलिए नाउ बेरियम क्लोराइड, अब समझ लो बेटा एक बार इसको, पहले बेरियम क्लोराइड, बेरियम इज बी ए, क्लोराइड इज सी एल,
सीएल की वैलेंसी 1 जो उसने बेरियम को दे दी, बेरियम की वैलेंसी 2 जो उसने फ्लोराइड को दे दी, तो ये बना हमारा BaCl2। ठीक है, तो ये बन गया BaCl2 प्लस, ये एक्वस फॉर्म में एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम इज Al, सल्फेट इज SO4, पॉलीएटॉमिक है तो ब्रैकेट में कर दीजिए बेटा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 जो कि वो सल्फेट को दे देगा, सल्फेट की होती है -2 जो कि वो एल्यूमिनियम को दे देगा। तो फॉर्मूला बन गया आपके पास Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, अदरवाइज मुश्किल हो जाती है आपको, तो वैलेंसीज लर्न करो, कुछ फॉर्मूलाज बीच में डिफिकल्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वैलेंसीज के थ्रू उनको इजीली लिखा जा सकता है। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट आपको कॉमनली रिएक्शंस में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखो। एक्वस, नाउ द बेरियम सल्फेट, बेरियम Ba, सल्फेट SO4, दोनों की ही वैलेंसी 2, बेरियम की भी 2 एंड सल्फेट आल्सो हैज वैलेंसी 2, इधर +2 एंड हियर इज -2, सो 2 एंड 2 वो तो कैंसिल ही हो गए, तो ये याद हो गया होगा अब तक। तो ये बचेगा क्या आपके पास, BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 इधर आ गई, क्लोरीन की वैलेंसी 1 जो एल्यूमिनियम के साथ, AlCl3। क्लियर है बच्चे? ठीक है, इनके स्टेट्स लिख सकते हो, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा एंड ये आपका सॉलिड फॉर्म में, प्रेसिपिटेट्स आर सॉलिड। बेरियम सल्फेट कौन से कलर का होता है? जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो कौन से कलर के बनेंगे? जनरली जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वे कौन से कलर के होते हैं? बाय। व्हाइट कलर के या लाइट येलो कलर के। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट इज ऑफ व्हाइट कलर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करें स्टार्ट। क्वेश्चन 10, व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड, पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड, तो हीट हम लिखेंगे एरो के ऊपर, इट डीकम्पोजेज इनटू पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। चलिए जल्दी से रिएक्शन करके दिखाइए मुझे जरा ये। चलिए बेटा, हो गया ऊपर वाला रिएक्शन। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट इज KNO3, दोनों की वैलेंसी 1, हीट करेंगे पोटेशियम नाइट्राइट। नाइट्राइट क्या होता है?
ओ टू होता है, ठीक है, हमने लिखा नहीं हुआ, के एन ओ टू होता है बेटा, इसकी वैलेंसी भी 1-1 होती है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ओ टू। चलिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन कीजिए, उसमें नोट्स में नहीं, वर्कशीट में नहीं है, आई एम गिविंग द एक्स्ट्रा, लिखो जरा, क्लोरीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन, आयोडीन को आपने आई टू लेना है बेटा, क्लोरीन की तरह। मैम हाँ जी बेटा एक्सक्यूज मी बोलिए, मैम, यस यस पीछे जो बताइए। कंपाउंड पोटेशियम नाइट्रेट है उसका फॉर्मूला K3N आएगा, नाइट्राइट सॉरी, पोटेशियम नाइट्राइट का K3N आएगा। नहीं बेटा वो नाइट्राइड होगा, नाइट्राइड दिया हुआ है क्या, मैंने देखा भी नहीं है, नाइट्राइड दिया हुआ है ना बेटा, इट इज नॉट नाइट्राइड, अगर नाइट्राइड होता फिर N3 होता, जैसे हमने किया नहीं था सल्फर का, तो सल्फाइड, आपने हाँ अभी उसमें है नहीं, आपने जो मैंने, किया उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, सल्फाइड एंड सल्फेट ये 3 किए थे ना बेटा हमने, ऐसे नाइट्राइड, नाइट्राइड और नाइट्रेट ये भी 3 होते हैं, नाइट्राइड नाइट्रेट एंड नाइट्राइट ये भी 3 होते हैं, ठीक है, ओके मैम, इसलिए नाइट्राइड होता तो K3N बनता, अगर पोटेशियम नाइट्राइड होता ना फिर K3N बन जाता, तो आइड से ध्यान रखना है आपने। मैम हाँ जी बेटा जल्दी से कीजिए ये रिएक्शंस, जिंक कार्बोनेट गिव जिंक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, चलिए कंप्लीट कीजिए बेटा ये तीनों रिएक्शंस, फिर डिस्कस करते हैं।
हाँ जी बच्चे, डन? यस मैम। ओके जी, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारे। चलिए, क्लोरीन इज Cl2, पोटेशियम आयोडाइड इज Ki, गिव पोटेशियम क्लोराइड, इट विल बी KCl एंड आयोडीन इज I2। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तीनों ऐसे ही होते हैं, Cl2, I2, Br2, डाई एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, नाउ जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट इज Zn, कार्बोनेट इज CO3, बोथ हैज द वैलेंसी, बोथ हैज द वैलेंसी कितनी होती है दोनों की वैलेंसी? टू, तो दोनों की वैलेंसी टू टू कट गया, कैंसिल, इट विल लीव ZnCO3 गिव्स जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड मींस जिंक इज जिंक, ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन, जिंक एंड ऑक्साइड अगेन बोथ हैव वैलेंसी टू, -2 एंड +2, +2 एंड -2, अगेन ये लिव इट, इट विल बिकम ZnO एंड ऑक्सीजन इज O2। इज इट क्लियर बच्चे? चल नाउ नेक्स्ट इज जिंक इज Zn, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर इज Ag, सिंबल याद करने हैं बेटा साथ में, सिल्वर का सिंबल एस नहीं लिख देना, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सिल्वर इज एस, नो, सिल्वर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, इनके सिंबल इनके नेम से मैच नहीं करते। यू मे बी यू नो द रीजन, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है? सिल्वर नाइट्रेट, इट इज NO3, बोथ हैव द वेलेंसी वन, सो इट विल बिकम AgNO3। वेलेंसीज डिफरेंट होगी तभी इधर उधर शिफ्ट होंगी, इफ द वेलेंसीज आर सेम देन सिंपल उनके नेम ही लिखने होते हैं फिर तो। नाउ द जिंक नाइट्रेट, जिंक इज Zn, नाइट्रेट इज NO3, कीप इट इन ब्रैकेट पॉलीटॉमिक, जिंक की वैलेंसी टू तो वो यहां आ गई, एंड नाइट्रेट की वैलेंसी वन वो जिंक के साथ, बट नीड नहीं है शो करने की, सो वी कैन कीप इट एज ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर, सिल्वर इज Ag। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया बेटा यहां तक? अभी फॉर्मूला गलत हुआ करेंगे कभी, मैम ठीक जो सेकंड रिएक्शन है उसमें जैसे जिंक कार्बोनेट लिखा है तो वहां पर कार्बन रिएक्शन के बाद कहाँ गया? लास्ट है? सेकंड एक मिनट रिएक्शन एक मिनट एक मिनट, जिंक ऑक्साइड, हाँ कार्बन होगा बेटा यहाँ पर, हेयर यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन कहाँ गया? सही बात है, कार्बन भाग गया, कार्बन होगा बेटा यहां पर, ठीक है? एक बार चेक भी कर लेते हो, कार्बन ही है, नहीं, इट इज CO2 बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज CO2, ठीक है? ठीक कर लीजिए बेटा इसको, ओके मैम। जिंक कार्बोनेट गिव जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी कोई भी रिएक्शन जब आपने लिखना है बेटा, डोंट ट्राई टू राइट इट डायरेक्टली, कि सीधा फॉर्मूलाज लिख दो, आप पहले उसको वर्ड इक्वेशन में लिखो एंड देन राइट द फॉर्मूला। इनिशियली ये चीज आपका टाइम लेगी, आपको लगेगा कि लेंथी है, पहले वो लिखो फिर वो लिखो, बट इससे आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है? आपको पता है कि मैंने फॉर्मूला लिखना है, और दूसरी बात ये नहीं देखना है यहाँ NO3 है तो यहाँ NO2 क्यों है,
वो उसका अपना फॉर्मूला है, वो नाइट्राइट का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ की Cl2 था, यहाँ Cl क्यों आया? आई थिंक ये डाउट अब क्लियर हो गए होंगे, ये होते हैं बहुत स्टूडेंट्स के डाउट। वहां तो 2 लगा था, यहाँ पे है ही नहीं है। वहां 3 लगा था, यहाँ वो 2 बन गया प्रोडक्ट में आके। तो अब रीजन समझ आया क्यों हो रहे हैं ये चेंजेस, ठीक है। अब मैम मुझे ये यस बताओ, किसी ने कुछ पूछना है तो इस एंटायर टॉपिक में, ये करो बेटा, प्रैक्टिस करो इस चीज की, जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो। अगेन आपका जो केमिकल कार्बन वाला चैप्टर है उसमें भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन हम और करते हैं। लिखिए जरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड गिव्स सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस वाटर। मैंने आपको मार्क करवाया था कि एसिटिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन भी कहीं पर भी नहीं आया। एक हम कर लेते हैं, ठीक है। नाउ द सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या है? Na कार्बोनेट इज CO3, कीप इट इन ब्रैकेट, पॉलीएटॉमिक है। सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, तो ये क्या बना देखो, Na2CO3। एसिटिक एसिड, अभी हमने फॉर्मूला लिखा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है वेरी गुड। और एक इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। ये बीच वाले हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करना है, ये कार्बन्स के बीच में है दोनों, बाद वाला हाइड्रोजन। सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला होता है CH3 COO Na, ये वाला सोडियम यहां आ जाएगा H की जगह, ठीक है। और बाकी प्रोडक्ट क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। सो दिस सब्सटेंस इज नोन एज सोडियम एसीटेट, इज इट हाँ क्लियर? हाँ ये भी सब पॉलीएटॉमिक आयंस वगैरह ही होते हैं, तो ये हमने इतना डिटेल में नहीं किए हैं, पॉलीएटॉमिक कुछ किए हैं हमने। तो सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है बच्चे। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा बोलिए। जैसे सेकंड क्वेश्चन है वर्कशीट में, उसमें हमें कॉपर नाइट्रेट दिया हुआ है, तो हमें क्या कैसे पता लगेगा कि वहां पर कॉपर की वैल्यू 1, वैलेंसी 1 डाली है फिर 2 डाली है? बेटे कॉपर की ना जर्नली जो वैलेंसी ली जाती है +2 वाली ली जाती है, ये ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। अदरवाइज कई बार आपको गिवन भी हो सकता है, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में दे दिया ना आयरन 3, ठीक है। और कॉपर भी काम कैसे करता है बेटा, देखो कॉपर की 2 वैलेंसीज की थी हमने, एक +1 और एक कॉपर की +2, तो ये भी क्या होता है, क्यूप्रस एंड ये क्यूप्रिक। कई बार ऐसा भी लिखा जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो लोअर वैलेंसी क्यूप्रस, हायर वैलेंसी क्यूप्रिक, जैसे आयरन का किया था +2 एंड आयरन की एक थी +3, तो लोअर वैलेंसी हमारी बनती है फेरस और हायर वैलेंसी बनती है फेरिक। अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तो आप +2 के हिसाब से चलोगे, आप कॉपर की वैलेंसी अपने आप से +2 लोगे अगर अपने आप से ही लेनी है तो, ठीक ओके है। मैम, चल, ऐसे आयरन में भी होता है, कई बार सिंपल दिया होता है आयरन ऑक्साइड, तो हम हायर वाली, फिर उस केस में हम 3 लेकर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके एक चीज मैम, और देखो, आयरन के 3 तरह के ऑक्साइड होते हैं,
एक होते FeO, ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ, वर्कशीट में नहीं है। ये भी अगेन कई बार इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एक FeO होता है, Fe2O3 होता है, एक होता है Fe3O4, ठीक है, तीन होते हैं। तो ये क्या है? फेरस ऑक्साइड, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, आयरन ऑक्साइड, आयरन टू ऑक्साइड, ये लिख लो बेटा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आयरन थ्री ऑक्साइड, और स्ट्रेंजली इसका नाम क्या है, आयरन टू थ्री ऑक्साइड, दोनों का कॉम्बिनेशन, ये लिख लो। बहुत कंफ्यूजन होती है कई बार इनके नेम्स में। हाँ जी बच्चे, डन। डन। चलिए गुड, ठीक है फिर, सफिशिएंट फॉर टुडे। आई होप अब ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कभी कोई फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? इज इट क्लियर? चलो, बाय एवरीवन, थैंक यू यस सो मच टीचर्स।